सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। कोरिया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स के लिए तो जाने जाते हैं, बट व्हाट अबाउट कोरियन फूड? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका। आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन रात सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ कोरियन फूड। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे गाइस, कोरियन फूड सुन के सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? एकदम रेड रेड हॉट हॉट स्पाइसी फूड ना। वैसे आज के कोरियन फूड चैलेंज के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी, क्योंकि भाई अभी तक तो ना मैंने सिर्फ कोरियन के इंस्टेंट नूडल्स ही ट्राई करे हैं, बट आज मैं फुल फ्लेज्ड कोरियन फूड ट्राई करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं निकल गई हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि मेरे घर से ना सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो चलिए चलिए जल्दी चलते, भूख बहुत लग रही है। सो गाइज, सबसे पहले मैं आ गई हूँ सन एंड मून रेस्टोरेंट, एंड पता है मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हूँ कि मुझे पता है क्या लग रहा है, कि सन एंड मून ना मुझे कहीं दिन में तारे ना दिखा दे। चलो, माय फिंगर्स आर क्रॉस, लेट्स चेक इट आउट। सो गाइज, दिस इज हाउ सन एंड मून रेस्टोरेंट्स लुक लाइक, एंड जस्ट लुक एट देयर ग्राफिटी वॉल। इसको देख के ये मत सोचना कि बच्चों ने आगे ABCD लिख दिया, दिस इज स्पेशली डिजाइन। सो नाउ जस्ट लुक एट इट कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कोरियन फूड ऑर्डर करा है। बहुत सारा ऑर्डर कर दिया है। इन सबको देख के आप ये मत बोलना कि मैंने चाउमिन और मोमोज ऑर्डर कर दिए। ऐसा गाइज बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऑथेंटिक कोरियन फूड ऑर्डर करा है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो है ये मेटल की चॉपस्टिक्स, दीज आर रीयूजेबल। अब इसको देख के आप इनको गरबा स्टिक्स मत समझ लेना, ये चॉपस्टिक्स है गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑर्डर करा है। सो सबसे पहले ये देखिए, ये है जैपचाप जो मुझे पड़ा है 800 रुपीज़ का, एंड दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नूडल्स। ये देख रहे हैं, दीज आर ग्लास नूडल्स। ओ माय गॉड, दिस लुक्स अमेजिंग। ये नूडल्स ना तो मैदे के बने हैं ना ही आटे के बने हैं, ये बने हैं पोटैटो स्टार्च से। Isn't that amazing? मैं पोटैटो के अभी तक तो ना मैंने फ्रेंच फ्राइज भी खाए हैं, और आज खाऊंगी मैं पहली बार ये ग्लास नूडल्स पोटैटोज के। उसके साथ मैंने ऑर्डर करा है यहाँ पे गन मैंडू, और ये है मेरे पास किमची मैंडू, जिसके साथ इन्होंने एक स्पाइसी सी डिप दी है। अच्छा, अब ये मैंडू क्या होता है? मैंडू का मतलब होता है कोरियन डम्पलिंग, और साथ में ना बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स आए हैं। दिखाऊँ क्या क्या है? ये देखिए, यहाँ पे है ये किमची, ब्रोकली जिसके ऊपर एक स्पाइसी सॉस इन्होंने डाला है, साथ में ये डिपिंग सॉस भी है, और यहाँ पे है इनके स्वीट एंड स्पाइसी पीनट्स, प्लस ये जो पकौड़े हैं ना वो बने हैं स्वीट पोटैटो के। जैसे हम इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, वहाँ पे कैसे हमको देते हैं मसाला पापड़, अचार, सिरके वाले प्याज, तो ऐसी कोरियन फूड में आप जब किसी भी कोरियन रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो आपको ये कॉन्डिमेंट्स दिए जाते हैं, हर किसी को दिए जाते हैं। तो चलो, नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई एवरीथिंग। सो गाइस, सबसे पहले मैं खाऊंगी ये मैंडू। मैंडू मतलब कोरियन डम्पलिंग, एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस डम्पलिंग, कितना बड़ा है ना। चलिए इसको मैं इनकी डिपिंग सॉस में डिप करती हूँ, देखूँ तो कैसी डिपिंग सॉस है। ऑल राइट, बड़े बढ़िया हैं, पर बहुत स्पाइसी हैं। इसके अंदर ये कैबेज भरी हुई है इन्होंने, एंड आई थिंक इनका जो डिपिंग सॉस है ना, ओ माय गॉड, इसके अंदर तो ग्रीन चिलीज डले हुए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये नूडल्स पोटैटो स्टार्च वाले, जस्ट लुक एट देम, कितने ट्रांसलूसेंट से है ना भाई पोटैटो स्टार्च के ये जो नूडल्स है ना, ये मैं पहली बार ट्राई करूँगी। लेट मी चेक कैसे हैं, आ जाओ। ओ माय गॉड, दीज आर सो गुड। ये मैदे नूडल जैसे ना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा च्यूई टेक्सचर है इसका, एंड ये स्वीट एंड स्पाइसी है। वैसे एक बात बताऊँ, ये जो फ्लेवर्स है ना, काफ़ी फेमिलियर है, बट स्टिल दे आर वेरी यूनिक। आज तक तो ना मैं जो है कोरिया के सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज़ करती थी, जैसे कि ये देखिए, ये मेरा सैमसंग का फ़ोन, पता है कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम सो हैप्पी टुडे आई ट्राइड कोरियन फूड, बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइज, मैंडू और नूडल खा के ना मैं सीधे अपने घर चली गई थी और वहाँ सो गई थी, और अब मैं जा रही हूँ वर्ली से सीधे बांद्रा। वैसे आप जानते हो मैं मुंबई पूरे 1 साल के बाद आई हूँ, सीरियसली मुंबई की बहुत याद आती है मुझे, और इस समय हूँ मैं बांद्रा वर्ली सीलिंग पे, एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ सीलिंग, इज इन दिस अमेजिंग। भाई ये सीलिंग पे जाना ना मुझे पर्सनली बेहद पसंद है। तो चलो चलो, आप जल्दी से बांद्रा पहुँचते हो और कुछ और बढ़िया सा कोरियन फूड खाते हैं।
सो गाइज अब मैं आ गई हूँ हैनबॉक और ये कोरियन रेस्टोरेंट है। जाहिर सी बात है ना, कोरियन फूड चैलेंज चल रहा है तो कोरियन रेस्टोरेंट में तो आऊँगी। वैसे पता है मेरा मन क्या कर रहा था? मेरा मन कर रहा था मैं आपको कोरियन स्ट्रीट फूड दिखाऊँ, बट यहाँ मुंबई में वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। उसके लिए स्पेशली मुझे जाना पड़ेगा कोरिया। बट व्हेन थिंग्स विल इम्प्रूव ना, आई विल डेफिनेटली विजिट कोरिया टू शो यू कोरियन स्ट्रीट फूड। बट अब चलो, यहाँ पे मैंने कौन सा कोरियन फूड ऑर्डर करा है वो पहले आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने दो कोरियन डिशेस ऑर्डर करी है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका नाम है तेब्बोकी। और ये देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुली सेसमे सीड्स के साथ इसको इन्होंने गार्निश करा हुआ है। वैसे आप समझ तो पाए नहीं होंगे कि ये डिश एक्चुअली है क्या, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं गाइज, ये राइस केक के सिलेंडर्स बने हुए हैं। एंड आई एम वंडरिंग कि ये इन्होंने राइस के सिलेंडर बनाए कैसे होंगे। अगर आपको पता है ना तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जो दूसरी डिश है वो है ये, जस्ट लुक एट इट, क्या सुंदर डिश है ना। ओह माय गॉड, ये पॉट तो बहुत ही हॉट है। दिस इज़ कॉल्ड बिबिम्बाप। ये देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुली इसको वेजिटेबल्स के साथ इन्होंने गार्निश करा हुआ है। और नीचे इसके अंदर है स्टीम राइस और इसको टॉप किया गया है फ्राइड एग के साथ। ये दोनों ही डिशेज मुझे पड़ी अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ की। और इसके साथ बिबिम्बाप के साथ आपको देते हैं सेसमे ऑयल और ये इनकी स्पाइसी स्पाइसी चटनी। तो चले भाई, अब सबसे पहले मैं कौन सी डिश खाऊँ? एक्चुअली सबसे पहले ये वाली खा लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी दिख रही है मुझे। ओके, आई विल ट्राई दिस। ओह माय गॉड, ये दिस इज वेरी वेरी स्पाइसी। ये सिलेंडर था ना राइस का, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। और इस सिलेंडर में ना कोई गैस भी नहीं भरी हुई है। वैसे ये खा के ना मुझे कोरियन नूडल्स याद आ गए जो मैंने पिछले चैलेंज में खाए थे, जिनको खा के ना मेरे कानों में से फुप करके धुआं निकल गया था। तो चलिए भाई, ये वाली तो बहुत स्पाइसी थी, अब मैं ये वाली डिश ट्राई करती हूँ, बिबिम्बाप। सो गाइज, बिबिम्बाप को आप ऐसे नहीं खाते हैं। पहले आपको इसको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से मिक्स करना पड़ता है, जो मुझे शेफ ने बताया कि कैसे मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले ये मुझे एक्चुअली बड़ी स्पाइसी स्पाइसी सी इनकी चटनी दिख रही है। एंड शेफ हैज टोल्ड मी कि ये रेड चिली चटनी है, तो मैं इतनी सी डालती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इसको टॉप करते हैं। एंड आई विल पुट लिटिल, वेरी लिटिल बिट ऑफ सेसमे ऑयल, बिकॉज आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ सेसमे ऑयल। ओके, अब जिसको मिक्स करना है तो आइए पास आइए, इसको आपको बहुत ही प्यार से मुलायम मुलायम हाथों से मिक्स करना है गाइज। ओके, सो यू जस्ट हैव टू टेक राउंड एंड राउंड एंड राउंड। हाँ, ये मेरे राउंड्स भी थोड़े से गड़बड़ हो गए मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही राउंड एंड राउंड कर दिया मैंने। वैसे एक बात बताऊँ, ये इतनी हेल्दी दिख रही है और मुझे ना ये वाली जो डिश है ना बड़ी आसान भी लग रही बनाना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दिस डिश। और अगर मुझसे सच्ची में सही बन गई ना तो मैं अपने व्लॉग वाले चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी, ट्राई करूँगी, देखती हूँ मुझसे बनती भी है कि नहीं। ओके ओके, सेसमे ऑयल जो रेड चिली पेस्ट है ना इनका, वो मिलके बहुत बढ़िया इसको फ्लेवर दे दिया। एंड प्लस इसके अंदर जो इतनी सारी वेजिटेबल्स डली है ना, बहुत ही बढ़िया क्रंच ऐड करिए। तो चलिए भाई, अब जल्दी से ये मैं ये दोनों डिशेज अपनी कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ बाद में। इट्स डिज़र्ट टाइम गाइस, और आज के वीडियो में आपको दो दो डिज़र्ट देखने को मिलेगी। आई एम सो एक्साइटेड। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ऑर्डर करी है ऑथेंटिक कोरियन डिज़र्ट पटबिंगसू। पता है ये नाम याद करते करते मुझे फुनसुक वांगड़ू की याद आ गई थी, वो जो थ्री इडियट्स में थे ना। वैसे इस नाम को याद करने में ना मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो गाइज, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना। हाँ, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सो ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस डेजर्ट, ओह माय गॉड, दिस लुक सो ब्यूटीफुल एंड सो टेम्पटिंग। इसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नीचे तो इसमें क्रश्ड आइस है, उसके बाद इन्होंने इसको टॉप करा है बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स के साथ, और यहाँ पे इसके अंदर है स्वीट रेड बीन्स, और फाइनली इसको टॉप करा है इन्होंने ग्रीन टी आइसक्रीम के साथ। पता है ये डिज़र्ट खाने में ना मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हो रहा। वैसे तो कोई भी डिज़र्ट खाने में मुझे गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि आइसक्रीम जो है ना ग्रीन टी से बनी है, तो आपको तो पता है ना ग्रीन टी में कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये डिज़र्ट खाने के बाद ना मेरी स्किन काफ़ी ग्लो करने लगेगी। तो चलो भाई, अब टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से खाते हैं अपनी ये पटबिंगसू डिज़र्ट। आई एम सो टेम्प्टेड, पहले आइसक्रीम ही खाती हूँ। अच्छा करा, दो स्पून दे के गए ये। हाँ, आ गई।
सीरियसली गाइस, ये बहुत बहुत ज़्यादा डिलिशियस है और मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी, ये मैं पूरी खाऊँगी। दिस इज़ रियली अमेजिंग। रेड बीन्स भी लेती हूँ थोड़ो, देखो स्वीट रेड बीन्स हैं एक्चुअली, है जैसा कि मुझे बताया गया। ऑलराइट, अमेजिंग। तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करती हूँ और अब आपको मैं आगे मिलूँगी। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ ओरिगामी, जो कि पवई में लोकेटेड, और यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से मुझे दिख रहा है ये माउंटेन व्यू, इज इन दैट प्रिटी। तो भाई मैंने प्रेफर करा है कि मैं यहाँ पे बाहर ही बैठूँ, वैसे अंदर भी इनकी सिटिंग है, बट बाहर बैठूँगी तभी तो ये व्यू इन्जॉय करूँगी। तो चलो अब जल्दी से ऑर्डर करते हैं अपना कोरियन फूड। सो गाइज, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। सो ये है कोरियन किमबाप, वैसे आपको ये जापनी सुशी की तरह लग रहे होंगे, बट ये जापनी सुशी से बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली ना, जो जापनी सुशी होते हैं ना, उसमें जो राइस को फ्लेवर करते हैं ना, वो विनेगर से करते हैं, बट यहाँ पे जो कोरियन किमबाप होता है, उसमें जो ये राइस को फ्लेवर करते हैं ना, वो सेसमे ऑयल के साथ करते हैं। सो टेस्ट वाइज बोथ ऑफ देम आर कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड साथ ही में यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा है, ये देख रहे हैं किमची जियोन। ओ माई गॉड, दिस लुक्स ब्यूटिफुल। एंड ना एक्चुअली मुझे ना ये पिज्ज़ा जैसा लग रहा है। इसके अंदर ना बहुत सारी वेजिटेबल स्टफ करी गई है। तो सबसे पहले मैं क्या खाऊँ? अच्छा, वैसे एक चीज़ मैंने नोट करी है कि जो भी कोरियन रेस्टोरेंट में मैं जा रही हूँ ना, बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये है कॉलीफ्लावर, ये है स्पिनच, एंड ये है बेबी बेबी पोटैटोस, ये तो छोटू छोटू पोटैटोस। तो सबसे पहले देखो भाई मैं क्या खाऊँ, चलो किमबाप ही खाते हैं। वैसे किम मतलब होता है सी वीड एंड बाप मतलब होता है राइस। ओके, आई लीव दिस ओनली। ऑल राइट, ओके। ये तो टूट गया गाइस। ओके, दिस इज रियली गुड। इसमें ना वेजिटेबल्स का क्रंच भी बहुत अच्छा आ रहा है, और जो उन्होंने सेसमे ऑयल इसके अंदर डाला ना, बहुत अच्छे से ब्लेंड करा हुआ है। तो चलो भाई अब ये तो ट्राई करना बनता है ना। एक्चुअली ये देख के मैं ज़्यादा टेम्प्ट हो रही थी। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। स्पाइसी है और वेजिटेबल्स के अंदर कुछ बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइस मुझे आ रहा है। वैसे गाइस मुझे नहीं पता था कि कोरियन फूड में आपको इतने सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड आई वाज टोल्ड कि कोरिया में तो आपको इवन हलाल फूड तक मिल जाता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग। तो चलिए जल्दी से मैं अपना खाना जो है ख़त्म करती हूँ और आपको मिलती हूँ डिज़र्ट टाइम पे। So guys, here comes my origami ki handmade avocado ice cream. So just have a look. ये देख रहे हैं क्या beautifully इसको decorate किया है इन्होंने, और साथ ही में यहाँ पे दिए red beans. Oh my god, ये देख रहे हो कितने सारे flowers और mint लगा रखी है इन्होंने। चलो अभी तक मैंने avocado ice cream नहीं खाई, आज पहली बार खाऊंगी। Oh god, this looks amazing. Guys, this is so thick and so creamy. सो गाइज, आज के कोरियन फूड चैलेंज में आपकी फेवरेट कोरियन डिश कौन सी थी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आप जानते हैं कोरिया टूरिज्म एक कॉन्टेस्ट रन कर रहा है ऑन कोरियन फूड फ्रॉम 15th March to 28th March। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, अपने सिटी में कोई भी कोरियन रेस्टोरेंट में जाके कोरियन फूड ट्राई करिएगा, या फिर आप होम डिलीवरी भी करा सकते हैं, और जो भी आपका फेवरेट फूड है ना, उसके साथ एक पिक्चर क्लिक कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ ए हैशटैग, दैट इज़ के फूड इन इंडिया। अगर आप जीते ना, देन यू विल गेट कोरियन फूड और गुडी बैग्स फ्रॉम कोरिया टूरिज्म। एंड वैसे इसके जो ऑफिशियल लिंक्स है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, डू चेक इट आउट। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो भाई अगर अच्छा लगा है तो जल्दी जाओ, खूब सारा लाइक बटन प्रेस करो, और अब मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। बाय।